हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरी ये ब्लॉग। पता नहीं आप सभी के घर पे इतने सारे कपड़े रोज़ निकलते हैं कि नहीं, लेकिन दो दिनों में इतने सारे कपड़े निकले हैं, सभी को धोना है। उसके बाद आगे का प्लान देखती हूँ। और जो चिल्ला रहा है ना, वो ये है कुकू। तो सुबह सुबह मैं फूल लेके आ रही हूँ नीचे से। एक्चुअली हमारे बैग में ही मैं लेती हूँ ऊपर से, लेकिन बैग कहीं पर अटक गया था। सो उसके बाद घर पे आके नहा के मैं मंदिर में आ चुकी हूँ। और ये रहा मेरे छोटू सा गोपाल जी का लुक, बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। एक्चुअली इनके आँखें इतने छोटे छोटे थे, मैंने बड़े बड़े बना दिए हैं। और ये है हमारा तीसरा गोपाल जी, जो शायद इसको बंगाली में बोलते हैं चीना माटी, इस मिट्टी का बना हुआ है। तो अभी फ़िलहाल दो दो पहले थे, अभी तीन हो चुके हैं गोपाल जी। तो सभी को ही अच्छी तरीके से मैं सेवा करूँगी। पता नहीं ये प्री प्लान था या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके लिए ना कपड़े हमारे घर में ऑलरेडी थे, इनके साइज़ के पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ थे हमारे पास। और मैंने देखिए यहाँ पे पहना भी दिया है। और इसको पहनाने के बाद ना, मुझे नहीं लगा था कि इनके बॉडी के लिए ये परफेक्ट होगा, लेकिन पहनाने के बाद पूरा परफेक्ट आया है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और आप भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं इनका लुक कैसा लग रहा है आपको, बस बाल लगाना बाकी है। मुझे नहीं पता आप लोग कितना पसंद करते हो ये मेरे पूजा मंदिर के जो भी सेवा मैं करती हूँ हर रोज़, उसके बाद वीडियो भी बनाती हूँ। बट आई थिंक कि डेली व्लॉग करती हूँ तो ये दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप लोग भी कमेंट में बताना अच्छा लगता है आप लोगों को या नहीं। सो आज है अनुषा का सेकंड डे ऑफ एग्ज़ाम। अनुषा का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है क्या नहीं, मुझे सच में नहीं पता। मैं कोशिश कर रही हूँ उसको पढ़ाने की, बट नहीं हो पा रहा इन बीच, बिकॉज हमारे घर पे आपको पता ही है एक काम चल रहा है। मेरी दादू का देहांत होने के बाद मैं डेली मम्मी के घर पे जा रही हूँ उनको हेल्प करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो चुका है। बट कोई नहीं, आगे देखती हूँ क्या होता है। सो घर पे आने के बाद मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है, जो कि है कोलैबोरेशन का। और आप सभी के प्यार के साथ मुझे ये सब कोलैबोरेशन अभी बहुत सारे मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और उसके बाद रिसीव हुआ है ये प्यारा सा पार्सल, जो कि है मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन। बहुत दिनों से वो यूज़ कर रहे थे, फ़ोन ख़राब भी हो चुका था, तो अभी टाइम था चेंज करने के लिए। तो सभी ने डिसाइड करने के बाद ये फ़ोन हमने लिया है। हालत पूरा ही ख़राब है, बाहर इतना ज़्यादा गर्मी था, मैं क्या ही बताऊँ। दुर्गा पूजा का जो भी ग्रॉसरी शॉपिंग था वो हो चुका है। अनुषा को लेके मैं स्कूल से अभी मैं घर पे आई थी, और मिलती हूँ कुछ देर में। सो जब से अनुषा स्कूल से आई है ना, तब से बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, उसको वाटर मेलन काट के खाना था। तो मैंने लंच का वेट किया, लंच वो कर चुकी है, उसके बाद मैंने काट के दे दिया है। इवन आप सभी को भी जो भी मेरी डेली व्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा कि अनुषा को कितना ज़्यादा वाटर मेलन पसंद है, तो कहाँ वेट करना था उसे। तो अभी मैंने उसको काट के दे दिया है। कपड़ा पूरा ख़राब हो चुका है, बस मैंने कुछ ही देर पहले ही कपड़ा चेंज किया था। बट कोई नहीं, ये तो हर एक दिन जब भी वो वाटर मेलन खाती है उसके बाद होता ही है। सो मैं वाटर मेलन लाने के बाद अनुषा के पापा लेके आए हैं एक नया फ्रूट, जो अनुषा शायद इस साल पहली बार देख रही है। ये है सिंगारा, आप सभी को पता होगा मुझे ना बहुत पसंद है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने बहुत ज़्यादा खाया था, मुझे पता नहीं क्यों,
लेकिन पहले से ही मुझे पसंद है। अनुषा फर्स्ट टाइम ट्राई करेगी, एटलीस्ट लास्ट ईयर उसको उतना पता नहीं था, इस साल वो फर्स्ट टाइम ट्राई करेगी। बस आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि जो भी ये सिंगारा, इसको बंगाली में बोलते हैं पानी फॉल, इसको खाना पसंद करते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन इसके हार्वेस्ट के पीछे ना बहुत बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। जो भी ये काम करते हैं मार्केट में बहुत कम प्राइस में इसको सेल करते हैं, 40 रुपीज़ किलो, 20 रुपीज़ किलो, कभी कभार 10 रुपये भी मिलते हैं। बट एक ही बात बताना चाहूँगी, जो भी करते हैं ये काम उनके लिए सच में हैट्स ऑफ। बहुत बार मैं देख चुकी हूँ और मैं अफसोस भी फील करती हूँ, हाँ इतना कम रुपीज़ में, और इनका शायद जो भी लेबर काम करते हैं ना हार्वेस्ट के लिए, उनका डेली में इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी डेली का पेमेंट मिलता है कभी 100 रुपये कभी 200। बट हमारे लिए काफ़ी ईजी है इनको ख़रीद के खाना, बट उनके लिए काफ़ी टफ़। सो हैट्स ऑफ, और आपके लिए ही शायद हम लोग इतना इजी हमारे लाइफ है। और अनुषा के साथ साथ ना कोको का फर्स्ट टाइम नहीं है, कोको को बहुत पसंद है ये फल, जब भी हमारे घर पे आते हैं उसको पता चल जाता है कि मैं खा रही हूँ, तुरंत मेरे पास आ जाएगा खाने के लिए। अनुषा को एकदम नहीं पसंद आया है, मुझे बहुत पसंद है, साथ ही में कोको को भी पसंद है। इसको अगर आप 1 किलो ऐसे छील के दे दो वो 1 किलो ही खा जाएगी। तो उसके बाद आए थे मेरी मम्मी पापा, और वो लोग आए थे हमें इनवाइट करने के लिए, उनका काम है सामने ही, तो हम लोग तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन खाना का पता नहीं क्योंकि हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे, बिकॉज़ हम लोग का भी यही चल रहा था कुछ ही महीने पहले। बट हम लोग ज़रूर जाएंगे फुल फैमिली, और मेरे भी यहाँ से काफ़ी सारे रिलेटिव के वो लोग इनवाइट करने भी आए थे। सो अनुषा के लिए हम लोग पहले कपड़े लेने के लिए आए हैं। अनुषा को पूरा मैं कोशिश करूंगी इस साल इंडियन पहनाऊं। बहुत सारे ऑलरेडी कपड़े आ चुके हैं जो कि सभी ने पूजा के लिए दिए हैं, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, साथ ही में हमने क्या क्या लिया है वो भी। बट इस बार ना मुझे पूरा प्लान है, क्योंकि अनुषा कैरी कर पाती है, इसी वजह से मैं अनुषा को एक परफेक्ट इंडियन कपड़े पहनाऊंगी। तो कौन सा मैंने लिया है सब कुछ मैं दिखाऊंगी। बहुत सारे ऐसे भी कपड़े अनुषा को मिला है इस दुर्गा पूजा में, जो फ्रॉक है, स्कर्ट है, जो नॉर्मल पहनते हैं बच्चे, लेकिन इंडियन वेयर ना ये है एक फेस्टिव सीजन, और दुर्गा पूजा के टाइम पे अगर इंडियन वेयर ना पहनो ना मुझे ठीक नहीं लगता है। इस साल वो कैरी कर पाएगी, इसी वजह से मैंने लिया है। बहुत सारे कपड़े थे, आप भी मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा है, और घर पे जाके मैं ज़रूर दिखाऊंगी मैंने कौन सा लिया है अनुषा के लिए। सो अभी आ चुके हैं नेक्स्ट स्टोर पे, यहाँ पे भी अनुषा के लिए ही लेना है हमें, जो कि देने वाले हैं अनुषा की बुआ ने। बट उन्होंने कहा है कि मैं ही चूज़ करूँ अनुषा को, जो भी कपड़ा है मैं ही ठीक से चूज़ कर पाऊँगी उसका, कौन सा फिट चाहिए या कौन सा कपड़े अनुषा को कंफर्टेबल होगा, इसी वजह से उन्होंने कहा है कि तुम लेके आओ मैं आपको पे कर दूँगी। तो ये सब भी मैंने यहाँ से लिया है, ये वेस्टर्न वेयर है, लेकिन मेरा इस साल प्लान था जो कि पूरा हो चुका है। सो कपड़े वगैरह लेने के बाद अभी आ चुके हैं मैं और मेरी मदर इन लॉ चप्पल के दुकान पे, तो ये भी हम लोग ले रहे हैं इंडियन, वेस्टर्न में कुछ नहीं ले रहे हैं इस साल। सो अनुषा की दादी ने जो भी लिया है वो भी दिखाऊंगी घर पे जाके, काफ़ी सारा हमने चूज़ किया उसके बाद लिया है, और साइज़ में भी काफ़ी प्रॉब्लम था, एट लास्ट हमने जो भी पसंद किया है वो घर पे जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था,
और हर साल पूजा के टाइम पे अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाओ तो आपको यही देखने को मिलेगा। कोलकाता में यही होता है पूजा के टाइम पे। आई थिंक हर एक फेस्टिवल में हर एक जगह पे यही हालत होता है, बट ये तो काफ़ी छोटा सा एरिया है, अगर बड़े जगह पे जाओ ना आप निकल ही नहीं पाओगे। सो ये है अनुषा की दादी की बैंगल, आपने शायद देखा होगा लास्ट मेरे व्लॉग में, ये मैंने बुक करके रखा था अनुषा की दादी के लिए, जो आज मैं डिलीवरी लेने के लिए आई हूँ। सो पूजा के पहले ही हमें मिल चुका है, तो मेरे घर पे जब भी जब जाएंगे इनविटेशन के लिए तब ज़रूर वो पहन के जाएगी, उनको भी बहुत पसंद आया है, मुझे भी बहुत पसंद आया है डिज़ाइन। सो फाइनली मैं अनुषा को लेके आ चुकी हूँ, अनुषा मेरे घर पे थी, मेरे पापा के घर पे, और वहाँ से मैं अभी कुछ ही देर पहले अनुषा को लेके आई हूँ। अभी हम लोग घर पे जाके मैं रेस्ट करूँगी, कल दिखाऊँगी आपको ज़रूर मैंने कौन सा चीज़ लिया है। सो देखते रहिए और साथ रहिए, कैसा लगा है आज का ये व्लॉग बताना मत भूलिएगा, डू सब्सक्राइब, बाय बाय।